So, hello and very good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's topic, we are going to discuss about number. अब number से हमारे mind में question आता है कि number मतलब counting, right? So, it is the part of noun also. कि counting of a noun or pronoun is known as number. कि noun pronoun को count करना क्या कहलाता है? Number. जैसे कि boy boys, wife wives. My are ox oxygen it they it क्या है सिंगुलर के लिए लग जाता है दे प्लूरल के लिए लग जाता है माय क्या हो गया मैं अकेला आर हमारा प्लूरल हो गया ये प्रोनाउन में भी और नाउन में भी सो नाउन और प्रोनाउन की काउंटिंग को हम क्या कह लेते हैं नंबर अब नंबर दो तरीके के होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर राइट वी हैव टू टाइप ऑफ नंबर सिंगुलर नंबर क्या होता है सिंगुलर नंबर मीन्स इट रेफर टू द काउंट ऑफ ओनली वन नाउन और प्रोनाउन इफ द नाउन इज वन इफ द नाउन इज अ प्रोनाउन इज वन ओनली वन तो हम उसे क्या कहेंगे सिंगुलर नंबर लाइक एप्पल एप्पल एक है ये सिंगुलर है इफ इट इज प्लूरल प्लूरल माने ज्यादा होना मोर देन वन इफ द नाउन इज मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन तो हम उसे क्या कहेंगे प्लूरल नंबर ठीक है नाउ हाउ टू चेंज नंबर सो नॉर्मली व्हेन वी थिंक कि हाउ टू चेंज नंबर तो हमारे दिमाग में बेसिक और सबसे पहला रूल आता है व्हिच इज बाय एडिंग एस वी कैन कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल है कि नहीं करेक्ट है बहुत ही बेसिक और फर्स्ट रूल हमारे माइंड में यही आता है कि बाय एडिंग एस ना एस लगा के हम क्या है सिंगुलर से प्लूरल में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं करेक्ट जनरल रूल है बहुत ही बेसिक बहुत फर्स्ट रूल है जैसे कि शू का शूज बन गया बॉल का बॉल्स बन गया कार का कार्स बन गया क्लॉक क्लॉक्स स्पून स्पून्स एंड कप कप्स ये हमारा सबसे पहला और बेसिक रूल है इज इट क्लियर Is it clear? If yes, then show me thumb sign. Next. अब क्या होता है हम कईयों के पीछे yes भी लगाते हैं तो क्या रूल रहता है yes लगाने का If if the noun noun means कोई भी word ends with sh, ch, s, x, z या o से या फिर ss से अगर कोई word end हो रहा है sh और ch च इफ द सी एच वर्ड साउंड च तो ही हम पीछे क्या है ई एस लगाएंगे या वर्ड एंड हो रहा है एस से या एक्स या जेड या ओ से सो व्हाइल मेकिंग देम प्लूरल वी आर गोइंग टू यूज ई एस जैसे कि बॉक्स द वर्ड एंड विद एक्स सो फॉर मेकिंग द वर्ड नाउन प्लूरल विल एड ई एस विल बिकम बॉक्सेस ग्लास The word ends with double S. So for making it plural, we'll add ES. It will become glasses. Brush. Brushes. Tomato. Tomatoes. Watch. This word ko pronounce karo watch. Ch se end ho raha hai. Ch se end ho raha hai. CH sound aa rahi hai. So we'll use ES to make it a plural. Become watches. क्लियर है रूल नंबर टू इज क्लियर टू ऑल नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि अगर इफ अ नाउन एंड विद सी एच एंड इट साउंड च की साउंड आए सो विल यूज ई एस टू मेक इट प्लूरल बट इसी के कंट्रारी क्या है अगर कोई वर्ड सी एच से एंड हो रहा है एंड इट साउंड क सो विल यूज एस टू मेक इट अ प्लूरल ठीक है सी एच की दो साउंड होती है एक च होती है एक क होती है तो अगर च आता है तो जिस वर्ड के एंड में च आता है उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगता है और जिस नाउन के एंड में साउंड क आता है सी एच का उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगता है ठीक है जैसे कि मोनार्क मोनार्क्स पेट्रियार्क पेट्रियार्क्स मैट्रियार्क मैट्रियार्क
स्टमक स्टमक। अब ये वर्ड तो हमने बहुत बार बोला होता है ना, हायरार्की हायरार्कीज। ठीक है, ओके, क्लियर है ये रूल? हाँ जी, नेक्स्ट रूल करते हैं। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड सानवी, नाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होते हैं, कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं वाई से। किससे एंड होते हैं? वाई से। अब वाई से तो एंड होते हैं, ठीक है, बट अगर उसके पीछे कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले जो लेटर आना है वो कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे पास, जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे सभी। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, क्विकली बताइए। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? वेरी गुड, वेल डन। क्या बात है, जो ये चंदन मेरे को 5 लिख के भेज रहे हैं वो तो कहना ही क्या है। 5 वॉल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, आपने उलट याद किए हुए हैं। सो 5 वॉल, 26 अल्फा हमारे पास अल्फाबेट होते हैं जिसमें से 5 वॉल्स हो जाते हैं, ए टी आई ओ और यू, राइट। इनको छोड़ के जो रेस्ट हमारे बच गए वो सारे क्या है? कॉन्सोनेंट। तो अगर वर्ड एंड हो रहा है वाई से, इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट अहेड ऑफ इट, तो हम क्या करेंगे, वाई को कट करेंगे, रिप्लेस करेंगे वाई को किससे, आई से, और साथ में ऐड करेंगे ई एस, करेक्ट, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे स्टोरी स्टोरीज, हॉबी हॉबीज। अब ये प्लूरल कैसे बन रहा है, वाई से एंड हो रहा है, आर इज अ कॉन्सोनेंट, राइट, आर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई को कट कर देंगे, उसकी जगह क्या लगाएंगे, आई, और साथ में लगाएंगे ई एस, करेक्ट। ये स्टैंडर्ड रूल है, ये आपको लर्न करने होंगे। जैसे हॉबी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई को कट कर देंगे भाई, क्यों, क्योंकि कॉन्सोनेंट की वाई से नहीं बनती है। अगर कोई नाउन सिंगुलर है और वो कॉन्सोनेंट है वाई के पीछे तो इसके वाई से नहीं बनती, इसलिए आई को ले आता है ये अपने नए दोस्त को, वाई को निकाल देता है और साथ में ई एस लगा देता है, इट विल बिकम हॉबीज, है ना। आर्मी आर्मीज, फ्लाई फ्लाइज, बेबी बेबी, ठीक है। तो जो हमने अभी बटरफ्लाई किया था, तो बटरफ्लाइज अब समझ आ गया, जतिन आपने पूछा था, करेक्ट, मैंने कहा था ना, वेट, आंसर सब मिलेंगे यहाँ पे, करेक्ट। अब इसी के उलट कि अगर वर्ड एंड हो रहा है वाई से, उसके पीछे कॉन्सोनेंट हो ना होके क्या हो जाए, वॉल हो जाए। वॉल हमारे पास कितने हैं, हाउ मेनी वॉल्स आर देयर, क्विकली आंसर करो चैट बॉक्स में, हाउ मेनी वॉल्स आर देयर, अभी बताए थे मैंने, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट है वो बस तैयार बैठे हैं आंसर करने के लिए, मैडम क्वेश्चन पूछो, वेरी गुड। 5 वॉल्स कौन कौन से है ये भी बताइए जल्दी से, वेरी गुड सानवी, ए आई ओ यू, नाइस, देयर आर 5 वॉल्स। तो अगर वाई से एंड हो रहा है वर्ड, उसके पीछे क्या है, वॉल है, सो प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ सिर्फ हम क्या करेंगे, वी जस्ट सिंपली गोइंग टू ऐड एस, नथिंग एल्स, ठीक है, वेल डन बच्चे। जैसे कि डोंकी, सो द वर्ड एंड्स विद वाई, ठीक है, एंड देयर इज ई बिफोर वाई, करेक्ट, सो नो नीड टू रिमूव वाई, वी आर सिंपली गोइंग टू ऐड एस टू मेक इट प्लूरल, इट विल बिकम डोंकीज। सिमिलरली टॉय, वाई से एंड हो रहा है, ओ इज अ वॉल, सो विल ऐड एस, विल बिकम टॉयज। डे, वाई से एंड हो रहा है, ए इज व्हाट, वॉल, सो विल ऐड एस, विल बिकम डेज, पता लग गया, जॉय जॉयज, प्ले प्लेस, करेक्ट। ये क्लियर है, रूल ऑफ वाई इज क्लियर टू ऑल, यस, देन शो मी थम साइन। ओके, नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 सेज कि इफ द नाउन एंड्स विद एफ, इफ द नाउन एंड्स विद एफ और एफ ई। अब कुछ स्टूडेंट इसको बड़ा मिसअंडरस्टूड करते हैं कि मैडम ने एफ और एफ ई बोला है तो ई एफ को भी वो कट कर देते हैं चक्के प्लूरल बनाते टाइम, नहीं करना है, सिर्फ एफ और एफ ई अगर कोई नाउन एंड हो रहा है इनसे। सो वाइल मेकिंग देम प्लूरल, हम एफ और एफ ई को कट करके रिप्लेस करेंगे वी के साथ और साथ में ऐड करेंगे ई एस, जैसे थी, अब ई एफ है पीछे से, तो ई एफ को नहीं कट करेंगे, सिर्फ एफ को कट करेंगे और रिमूव रिप्लेस करेंगे वी से, साथ में ऐड करेंगे ई एस, इट विल बिकम थीव्स, वाइफ, एफ ई है, राइट, कट कर दिया, विल ऐड वी, ठीक है,
और साथ में ईएस वाइव्स। नाइफ एफ ई है कट किया, वी ई एस नाइव्स। बुल एफ है कट कर दो, ऐड करो वी ई एस वुल्व्स। लीव एफ है कट करो, लीव्स। राइट क्लियर है? यस क्लियर है सबको ये? चलिए चंदन अपना कैमरा ठीक करवाइए बेटा फिर थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगर हमारा कोई नाउन, इफ अ नाउन इज एंड्स विद ओ एंड ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, अभी हमने बात की थी कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे पास, वी हैव 21 कॉन्सोनेंट। अगर ओ से बिफोर क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट, सो व्हेन वी जस्ट नीड टू मेक द प्लूरल ऑफ दिस, सो वी सिंपली गोइंग टू ऐड ईएस, तो ये क्या बन जाएगा, हीरो हीरोस, ओ से एंड हो रहा है करेक्ट, और उसके पीछे क्या है आर विच इज अ कॉन्सोनेंट, तो वेल मेकिंग इट प्लूरल वी सिंपली गोइंग टू ऐड ईएस, हीरोस। मैंगो मैंगोस, जीरो zeros, potato potatoes, eco ecos, correct है? अब जैसे कईयों के मन में आ रहा होगा, जैसे जस्वा के उसको मन में आया था कि consonant आ गया तो wall आ जाएगा तो क्या करेंगे, correct? तो we're simply going to add s, correct? कि अगर कोई noun और उससे पहले हमें क्या आ जाए, o से end हो रहा है और उसके साथ क्या आ जाए, wall आ जाए, तो हम क्या करेंगे, कितने वॉल होते हैं, फाइव, तो सिंपली क्या करेंगे, एस लगा देंगे, कोको कोकोस, ओके पीछे ओ विच इज अ वॉल, वॉल हमारे पास कौन से होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, तो अगर ओ से पहले इनमें से कुछ एक भी वॉल है तो हम उसको प्लूरल बनाते टाइम सिंपली एस लगाएंगे, दैट्स इट। जैसे बैम्बो बैम्बोस, स्टूडियो स्टूडियोस, पोर्टफोलियो portfolios, cameo cameos, correct, clear है सबको ये rule, right? Okay, अब यहाँ पे एक exception है हमारे पास O में, ठीक है, exceptions को as it is हमें समझना पड़ता है क्या करें, है ना, कोई choice नहीं होती, correct, exception है कि there are few words, ठीक है, कुछ हमारे पास वर्ड्स है, ठीक है, जो ओ से एंड होते हैं उनसे पहले कॉन्सोनेंट भी है बट फिर भी हम उसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाते हैं, क्यों, क्योंकि वो वर्ड या तो बोरोड है, ठीक है, या फिर ड्यू टू देयर वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, तो जैसे फोटो है, टी से एंड हो रहा है विच इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ कोर्स, तो फोटोस ई एस लगना चाहिए, तो लॉजिकली अगर रूल के रूल बेसिस जाए तो, बट नहीं है करेक्ट, तो हम क्या लगाते हैं, फोटोज एस लगाते हैं, ये एक्सेप्शन है, इसको हमें एज इट इज लर्न करना पड़ता है। क्वेश्चन आया नहीं बेटा आपका चैट बॉक्स में, खुशी, पियानो पियानोस, रेडियो रेडियोस, कैंटो कैंटोस, मेमो मेमोस, ठीक है, एंड देयर आर फ्यू वर्ड्स, ठीक है, जिनके पीछे एस या ई एस दोनों लगे तो बहुत हार करेक्ट, ठीक है, जैसे मॉस्किटो मॉस्किटोज और यस, दोनों ठीक है भाई, ये कमांडो कमांडो एंड कमांडोस, दोनों ठीक है, वॉटिको कैलिको मोमेंटो, बहुत हर करें, तो ये हमारे पास क्या है, ओ के लिए दो एक्सेप्शन है कि कुछ वर्ड्स है चाहे कॉन्सोनेंट स्टैंड हो रहे फिर भी हम एस लगाते हैं, और कुछ क्या है जिनके साथ एस और यस बोथ करेक्ट है तो वो हमें लर्न करने पड़ते हैं, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ दिस, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।